पाकिस्तान में बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियां। सूबे में सैलाबी रैलों की जद में आकर 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। इंसानी आबादियां खंडर, फसलें तबाह और बाग उजड़ गए। लसबेला का इलाका शदीद मुतासर, इलाका मकीन खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी रैले ने जिला कंबर शहदाद कोट के 50 से ज्यादा देहात को अपनी लपेट में ले लिया। मौसम की खराबी आड़े आ गई। वजीर आजम का टांग और डेरा इस्माइल खान का दौरा मुलतवी। दौरा मौसम की खराबी के बायस मुलतवी किया गया। वजीर आजम ने सैलाब से मुतासर खबर पख्तूनख्वा इलाकों का दौरा करना था। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान के मुतासर इलाकों और झलमुंसी का दौरा किया था। शक्करगढ़ में बरसाती नाले में तुगयानी, नाले के करीब खेतों में काम करते 4 अफराद फंस गए। रेस्क्यू टीम्स की जानिब से सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पसरूर के मकाम पर नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब, धान की फसल मुतासर। दीगर शहरों की तरह स्कर्दू बल्तिस्तान के इलाकों में तूफानी बारिशें, सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ जरई अराजी जेरे आब, फसलें तबाह हो गई। और कोरोना के बाद जारी गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 661 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। कोरोना के 22 एक मरीज दम तोड़ गया। सबसे ज्यादा एक्टिव शरह सवाबी में 33% रिकॉर्ड, नौशहरा में 20% और लाहौर में 13.8% रही। कौमी दायरा सेहत ने मुहर्रमुल हराम के दौरान शहरियों के लिए कोरोना एडवाइजरी जारी कर दी। SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत।